हेलो दोस्तों, आज है 6 दिसंबर और सुबह के 5:30 बजे हैं और हम निकल रहे हैं ताजमहल की तरफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली कभी ताजमहल नहीं देखा। आज मैं पहली बार ताजमहल देखने जा रहा हूँ और ये मेरे घर से है 244 किलोमीटर दूर और ये लगभग 4.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी जर्नी ताजमहल के लिए। ये अपनी मिनी SUV, इसमें हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सामान मैंने रख लिया है। दोस्तों, इस ट्रिप में मैं मथुरा और वृंदावन भी कवर करने वाला हूं। मथुरा के पास वृंदावन का पवित्र शहर ब्रज क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो हर साल लगभग 5 लाख तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। यह वह स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। वृंदावन का नाम 2 अक्षरों से बना है, वृंदा जिसका अर्थ तुलसी और वन जिसका अर्थ जंगल है। भगवान पुराण में कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन है, रुक्मणी, सत्यभामा, जांबवती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा, जबकि कृष्ण का नाम राधा से जोड़ा जाता है। जब भी कहा जाता है राधे कृष्ण कहा जाता है, लेकिन राधा की कृष्ण से शादी नहीं हुई थी। संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने से पहले भांडिर वन में ब्रह्मा की उपस्थिति में गुप्त रूप से राधा से विवाह किया था। इस वीडियो में मैं आपको 2 मंदिरों के दर्शन करवाने वाला हूँ, पहला प्रेम मंदिर और दूसरा बांके बिहारी मंदिर। हमने लगभग 150 किलोमीटर तय कर लिए हैं। यहाँ से वृंदावन 70-80 किलोमीटर बच गया है। वृंदावन वो भूमि है जहाँ श्री कृष्ण का नाम गोपाल रखा गया था, क्योंकि वो गौओं को चराते थे और एक गवाले थे तो उनका नाम गोपाल रख दिया था वहाँ के वासियों ने। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं वृंदावन की ही धरती पे दिखाई हैं, जैसे माखन चुराना, गोपियों के संग रास रचाना, यमुना में नहाना और यमुना में शेषनाग का दमन करना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो श्री कृष्ण ने अपने बचपन में यहाँ पे बिताई हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 लड़कियों से भी शादी करी थी। नरकासुर नामक एक राक्षस ने 16,100 सुंदर अविवाहित लड़कियों को यौन दासी बनाकर रखा था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन यौन दासियों को भी मुक्त कर दिया। फिर उन यौन दासियों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनसे विवाह करें, क्योंकि समाज उनको कभी स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, हम वृंदावन आ चुके हैं। देखिए, ये है वृंदावन और अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है। इसका निर्माण जगदुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में 22 वर्ष का समय और लगभग 200 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। हमने अपनी कार पार्किंग में लगा दी है और हम अभी यहाँ से पैदल चल के जाएंगे प्रेम मंदिर में।
तो भाई आते ही हमारे साथ यहाँ पे एक फ्रॉड हो चुका है, जो ये तिलक लगाने वाली थी उसने बोला कि एक तिलक के 10 रुपये हैं और फिर हमसे 120 रुपये की डिमांड करने लग गई। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे भी स्कैम्स होते हैं। अब हमको ये तिलक 10 रुपये के चक्कर में 120 रुपये का पड़ गया। वृंदावन में प्रेम मंदिर, जिसे दिव्य प्रेम के मंदिर के रूप में जाना जाता है, वृंदावन में राधा कृष्ण को समर्पित एक ऐसा मंदिर है जिसे अवश्य देखना चाहिए। यह भव्य मंदिर श्री राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। इसमें सफेद इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पियों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 28 जनवरी 2002 को कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई है। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी बनाई गई है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। कैमरा अलाउड नहीं है, लो भाई कैमरा अलाउड नहीं है, इधर तक ही है। तो ये है राम मंदिर बाहर से, और अंदर इसके कैमरा ले जाने नहीं देते। तो मैंने कैमरा इस दुकान पे जमा कर दिया था जो मेरे पीछे है बिल्कुल। इसने 50 रुपये लिए मुझसे, पर ये है कि कैमरा मेरा वापस ऐसे का ऐसे दे दिया और मैं अंदर दर्शन कराया। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। हमने ये ई रिक्शा ले लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इस रोड पे गाड़ी अलाउड नहीं है, यहाँ पे ई रिक्शा ही चलती है। तो एंजॉय करिए दोस्तों हमारी ई रिक्शा जर्नी को बांके बिहारी मंदिर तक। बांके बिहारी जी वृंदावन, यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो गई है। यहाँ से हम एक बाजार में से गुजरते हुए श्री बांके बिहारी मंदिर में पहुँचेंगे। यहाँ के बाजारों में पीतल की वस्तुएँ बहुत ही फेमस हैं। पूरे इंडिया में सबसे सस्ता पीतल इसी बाजार में मिलता है, और यहाँ के पेड़े भी बहुत फेमस हैं, मावे के पेड़े, जिसका भोग बांके बिहारी मंदिर में लगता है भगवान श्री कृष्ण को। लोग यहां से पेड़े को प्रसाद के रूप में खरीदते हैं और बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जी को भोग लगाते हैं। यहाँ के लोग गाय का बहुत ही मान सम्मान करते हैं। यहाँ गाय को पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी एक ग्वाले थे, वो भी गाय चराया करते थे और बांसुरी बजा के उनका मन बहलाया करते थे, इसीलिए यहाँ के लोग भी गायों का पूरा आदर करते हैं।
माना जाता है कि श्री राधा ने अपने अंतिम समय में महल को छोड़कर सन्यासिनी बनने का फैसला कर लिया था, और जब उनका अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने एक ही इच्छा व्यक्त की कि वो इस दुनिया से श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही इस दुनिया से विदा होना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए तब तक अपनी बांसुरी बजाई जब तक कि वह शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा नहीं हो गई। दोस्तों, ये जैसे ये पेड़े की दुकान है तो यहाँ पे आप अपने जूते वगैरह भी जमा कर सकते हैं फ्री में, जैसे हम रख रहे हैं। अब हमने ये यहाँ पे ये जमा कर दिए जूते, ये यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। अभी हम मंदिर में जाएंगे और हमने इससे पेड़े ले लिए हैं, और फूल माला भी हम बाहर से लेने वाले हैं जो कि बाकी बिहारी मंदिर में चढ़ती है। और यहां से दोस्तों हम नंगे पैर जाएंगे बांके बिहारी मंदिर तक। लोगों की कितनी भीड़ है यहां, हजारों की संख्या में लोग श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हैं और उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। ये आ गए हम बांके बिहारी मंदिर में। ये है बांके बिहारी मंदिर की एंट्रेंस। बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में घंटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कान्हा जी बाल रूप में विराजित हैं। ऐसे में घंटियों की आवाज से लड्डू गोपाल चौंक सकते हैं, इसी आवाज से उन्हें परेशानी हो सकती है। बाल गोपाल को किसी भी तरह की परेशानी न हो, उनकी नींद खराब न हो, इसलिए बांके बिहारी में घंटी और घंटियाल नहीं लगाए गए हैं। स्वामी हरिदास ने श्री कृष्ण जी की भक्ति करी थी, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनको निधि वन में दर्शन दिए थे एक काली मूर्ति के रूप में, जो कि राधा और कृष्ण की एकत्रित मूर्ति थी। इस पर हरिदास ने कहा कि हे कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकर होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। राधा कृष्ण के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मूर्ति को देखकर अक्सर लोग रो पड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह भगवान कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम और भक्ति का प्रत्यक्ष जवाब है। भक्त एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, यह सोचकर कि बांके बिहारी के रूप में देवता उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं।
यहाँ पे ये पंडित जी पेड़े के प्रसाद का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाते हैं और जो बच जाता है वो वापस भक्तों को दे देते हैं अपने घर ले जाने के लिए और बांटने के लिए। जो फूल माला है वो बांके बिहारी की मूर्ति पे चढ़ा दी जाती है। बांके बिहारी मंदिर में राधा कृष्ण के एकत्रित रूप की मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में स्थापित है। स्वामी हरिदास ने मूल रूप से इस मूर्ति की पूजा कुंज बिहारी के नाम से की थी, जिसका अर्थ है वृंदावन के कुंज में आनंद लेने वाला। क्या आपको पता है बांके बिहारी की मूर्ति काली क्यों है? भगवान कृष्ण ने स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और निधि वन में काले रंग की पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए बांके बिहारी जी की मूर्ति काली है। ठाकुर जी का विग्रह इतना सुंदर है कि कोई व्यक्ति इस विग्रह को एक बार देख ले तो खो जाता है। मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके बाहर आ चुका हूं और अभी जा रहा हूं निधि वन की तरफ। ये अगले एपिसोड में दिखाऊंगा दोस्तों, इसका अगला पार्ट वीडियो का डालूंगा, उसमें देखिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों।